हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि आपको शायद पता ना हो कि झारखंड में 2 दिनों के लिए इंटरनेट जो है वो सर्विस बंद कर दिया गया था 28 और 22 सितंबर को, और जिसकी वजह से मैं वीडियो को क्रिएट तो कर रहा था लेकिन उसे अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज वीडियो आप लास्ट तक देख लेना क्योंकि ये इंट्रो मैं बाद में बना रहा हूँ, वीडियो पहले क्रिएट कर दी गई है। तो देखो आज का टॉपिक क्या है कि जैसे कि अगर आपके पास इस तरह के खराब बल्ब है और अगर आप सोच रहे हो कि इस वाले ख़राब बल्ब को हम इसे रिपेयर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोसेस मैंने पहले बताए हैं लेकिन आज का प्रोसेस सबसे अलग होने वाला है। अगर SMD खराब होगा तो उसे हम चेंज कर सकते हैं और ड्राइवर अगर खराब हो तो उसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सही है तब हम क्या कर सकते हैं। ये समस्या है, क्या बोलने का, उस पोजीशन में आप क्या करना चाहिए इसके लिए वीडियो आप लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, ये है हमारा एक 9 वाट का LED बल्ब, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो 9 वाट। अभी चलो इसे सबसे पहले चेक करके देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, देखो मैंने बल्ब पर लगा दिया, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ है, चलो मैं इसे थोड़ा सा जो इसका डिफ्यूज़र है उसे निकाल देते हैं। देखो मैंने इसे निकाल दिया, देख सकते हो कि ये यहाँ पर लगा हुआ भी है। काफ़ी लोग ये बोलेंगे भाई यहाँ पर एक स्क्रू तो नहीं है, तो जस्ट इससे मैंने पहले PCB जो इसका है इसे मैंने चेंज किया था, LED को मैंने चेंज किया था। तो चेंज करने के बाद भी ये अब ये दूसरा प्रॉब्लम हमें दे रहा है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर दूँ तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ पर लगभग LED जो है वो जलती हुई दिखाई देगी। ये देखो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से ये ग्लो कर रहा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये ट्यूब जो फ्यूज करने का जो प्रोसेस होता है, हम इस पहले LED को फ्यूज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी LED ख़राब होता है जिसकी वजह से लाइट ग्लो नहीं करता है। तो चलो एक चिमटे ले लेना या आप वायर ले सकते हो, उसकी सहायता से इसे फ्यूज करके देखेंगे, देखते ग्लो करता है या नहीं करता है। मैं म्यूजिक को लगा दे रहा हूँ। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि लगभग मैंने सभी LEDs को चेक किया और यहाँ पर LED बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर LED ख़राब होता तो एक भी अगर शॉर्टेज होता ना तो बाकी सारे लाइट्स जो है वो ग्लो कर जाते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हम यहाँ पर मल्टीमीटर से जो इसका ड्राइवर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसे मेजरमेंट करते हैं कि वोल्टेज जो है वो कितना आ रहा है। तो मल्टीमीटर को जस्ट यहाँ पर हमें 700 पर मैं सेट कर दे रहा हूँ, जो कि AC पर मैंने सेट किया हुआ है। अब इसका जो वोल्टेज है उसे मेजरमेंट करते हैं। तो चलो मैं इसे यहीं पर कुछ जिस तरीके से रखता हूँ जिससे आपको दोनों को मैं दिखा पाऊँ और आपको साथ में टेस्ट करके दिखा पाऊँ। ये देखो यहाँ जो वोल्टेज है वो है लगभग 120 के आसपास ये वोल्टेज आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ड्राइवर भी हमारा सही है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर हमें तो ज़्यादा वोल्टेज हमें देखना चाहिए, 220 वोल्ट हमें इनपुट देखने को मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो LED लगी हुई है ये एक LED लगभग 1.5 वोल्टेज का है या एक वोल्ट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 1 वोल्ट का है, जिस पर यहाँ पर 9 वोल्ट का बल्ब ये बन चुका है। और यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, तो एक LED को ग्लो करने के लिए हमें यहाँ पर 9 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 9 के हिसाब से कितना हो गया, 90 वोल्ट हो गया। और आपको पता है जब भी हम AC वोल्टेज पर चेक करते हैं तो उस कंडीशन पर हमारा जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हमें बताया जाता है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डायरेक्टली मार्केट पर जाओगे इस तरीके की LEDs को बाय करने के लिए तो लगभग 50 से 60 रुपये में आपको ये पूरा बल्ब मिल जाएगा। लेकिन जब आपके पास ये वाला जब इसका कवर है या ये पूरा आपके पास मटेरियल है तो आप उस कंडीशन पर क्या करोगे, सिंपली एक LED ले आओ और उसका ड्राइवर लेके आ जाओ। तो चलो मैं यहाँ पर मार्केट से लेकर के आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यह एक 9 वोल्ट का ड्राइवर, और मैं आपको इसका पुराना ड्राइवर भी दिखाऊंगा जो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये मैं मार्केट से लेकर गया जो कि काफ़ी छोटा है लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करेगा। दूसरा है कि यह हमारा 9 वोल्ट का ये LED स्ट्रिप है, तो आप SMD स्ट्रिप भी बोल सकते हो। और इस वाले LED का जो प्राइस है वो मैं आपको लगभग बताता हूँ, इसका प्राइस मुझे पड़ा है लगभग 15 रुपये और ये ड्राइवर का प्राइस मुझे पड़ा है लगभग 10 रुपये, यानी 25 रुपये का हमारा एक LED बल्ब का पूरा सेटअप मिल चुका है। तो यानी कि अगर आपके पास ख़राब इस तरीके का बल्ब है तो आप इसे एक्सचेंज करके आप इस तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो LED ऐसे निकाल देता हूँ और साथ ही इसका जो ड्राइवर है उसे भी यहाँ से डिसोल्डरिंग करके इसे भी निकाल लेते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते, आप काम करते हैं। तो भाइयों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर LED को खाली कर दिया, यानी जो हमारा कवर है वो बाहर आ चुका है, साथ ही जो ड्राइवर है वो देख लो कितना बड़ा ड्राइवर है। और इस पर क्या ख़राब हुआ है वो मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो है ये ख़राब हो चुका है, साथ ही ये जो प्रिंट आउट जिसके थे वो भी यहाँ से देख सको पूरी तरह से लूज हो चुका है,
साथ ही जो कैपेसिटर का जो कवर होता है वो भी देखो लगभग ख़त्म हो गया है, यानी कि ये जो हमारा ड्राइवर है ये टोटली ख़राब निकल चुका है। लेकिन आप लोगों ने बोलेंगे भाई आपने शुरू में हमें वोल्टेज को दिखाया, वहाँ पर तो अच्छी खासी वोल्टेज दिखाई जाती थी, तो ये प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर का था, वोल्टेज अप डाउन डाउन होने की वजह से ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो कोई टेंशन नहीं, देखो ड्राइवर जो है वो हम अलग रख देंगे, चाहे तो अब देखो मैं आपको इसे वापस से लगा कर दिखा सकता हूँ, लेकिन देखो जब मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ नया ड्राइवर और नया एलईडी स्ट्रिप, तो क्या करेंगे इस वाले को ही डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन बता देता हूँ जो आपको शायद बताना पड़ेगा। यह जो दो पॉइंट आप देख रहे हो, ये दोनों व्हाइट वाले वायर, ये हमारे न्यूट्रल और फेस के हो गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर लाइन और एन का साइन आपको देखने को मिल रहा है, यानी न्यूट्रल। तो इन दोनों वायर पर हम 220 वोल्ट एसी करंट देंगे, साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को देख करके आप समझ ही चुके हो कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा डीसी वाला है जो हमारा डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा, डीसी वाला नहीं एसी वाला पॉइंट है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए डायरेक्ट इस पर सोल्डर कर देंगे, बस इतना काम है। तो इसे मैं इस बल्ब पर फिट करने वाला हूँ, लास्ट में हम आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है पहले से ही, तो चलो मैं कर लेता हूँ। आप जो हमारा बल्ब है ये पूरी तरह से बंद करके कंप्लीट हो गया है, चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि अब ये कैसा काम करता है, पहले से ये बेहतर काम करेगा या नहीं करेगा। और इसे मैं यहाँ पर अभी लगा रहा हूँ आपके सामने, ये देखो आप देख सकते हो कि आप ये जो बल्ब है ये अच्छी तरह से ये ग्लो कर रहा है, जैसा कि आपको मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसे बल्ब को ओपन कर दे रहा हूँ, देखो ये बंद हो चुका है, जैसे हम इसे लगाते हैं बल्ब पर तो ये ऑटोमेटिकली फिर से ये चालू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप देखो तो नॉर्मली एक लाइट को अच्छी तरह से न्यू पर कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको क्वालिटी इस पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कवर जो है वो पुराना होगा, अगर आप कवर को साफ कर लेते हो तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिस रिजॉर्ट को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, और सर्किट डायग्राम अगर चाहते हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। चलो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।